राम रहीम को 25 अगस्त को जब रेप केस में दोषी करार दिया गया तब उसके समर्थकों ने योजनाबद्ध ढंग से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में खूनी खेल खेला। सरकारी संपत्ति, निजी गाड़ियों और मीडिया की ओबी वैन्स में आग लगा दी गई, बसें जलाई गईं, ट्रेन की बोगीज में आग लगा दी गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तब आदेश दिया था कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई राम रहीम और उसके डेरे की संपत्तियों से की जाए। हरियाणा और पंजाब में इसी के बाद राम रहीम के डेरे और नाम चर्चा घर सील कर दिए गए थे। चर्चा घर यानी जहां पर भजन कीर्तन होता है। और राम रहीम के जेल जाने के बाद हरियाणा पुलिस जोर शोर से हनीप्रीत और उन लोगों को ढूंढती रही जिन्होंने हिंसा की साजिश रची थी। हनीप्रीत को जैसे तैसे पंजाब में गिरफ्तार किया गया। अब खबर है कि राम रहीम के डेरों में पुराने दिन लौट आए हैं। शनिवार यानी 4 नवंबर को डेरा के संस्थापक शाह मस्ताना की जयंती के बहाने राम रहीम के घरवालों ने सिरसा में नाम चर्चा की। राम रहीम को घरवालों को बुलाकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अब नाम चर्चा शुरू हो चुकी है तो राम रहीम भी जल्द ही जेल से बाहर आएगा। अब यह सवाल बड़ा हो गया है कि राम रहीम के डेरे से नुकसान की वसूली किए बिना सरकार ने डेरे में फिर से भक्ति का भ्रष्टाचार और पाखंड का प्रवचन करने की मंजूरी क्यों दी। यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अंबाला सेंट्रल जेल में हनीप्रीत को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला पहले ही सामने आ चुका है। डेरे में यह हलचल शुरू होने से पहले राम रहीम के घरवाले उससे रोहतक की सुरैया जेल में मिले थे। तो क्या जेल से ही राम रहीम और हनीप्रीत ने डेरे में नाम चर्चा का खेल फिर से शुरू कर दिया है? आपको बता दें कि 25 अगस्त को हिंसा की साजिश भी नाम चर्चा के नाम पर हुई बैठक में ही रची गई थी। हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए ही राम रहीम के डेरे और नाम चर्चा घरों को सील किया गया था। इस हिंसा के मास्टरमाइंड और देशद्रोह के आरोप में वांटेड डॉक्टर आदित्य इंसा को हरियाणा पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब बलात्कारी राम रहीम जेल से अपना डेरा चला रहा है और हरियाणा सरकार तमाशबीन है। दलील यह दी जा रही है कि डेरे का कोई दोष नहीं है और डेरे पर कोई रोक भी नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक किसी ने नहीं दिया है कि डेरे का मैनेजमेंट अगर रजिस्टर्ड ट्रस्ट के जरिए होता है तो उस ट्रस्ट की बागडोर अब किसके हाथ में है। तो क्या राम रहीम जेल से डेरे का खेल चला रहा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता जवाहर यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं, डेरा के प्रवक्ता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ वकील रविंद्र सिंह धूल भी पंचकुला से इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहला सवाल जवाहर यादव साहब मेरा आपसे ही है कि जिस मुआवजे को देने की बात कोर्ट ने कही थी, क्या वो मुआवजा बांट दिया गया, दे दिया गया है क्या? मुझे कोई ऐसी प्रतिलिपि या कोई ऐसी कॉपी दिखाएंगे माननीय न्यायालय की जिसमें ये कहा हो कि ये मुआवजा देना चाहिए या इसके ऐसे कोई ऑर्डर हो गए हो? आपके पास कोई कॉपी हो तो मुझे उपलब्ध करा दीजिए। क्या क्या आपको नहीं याद कि अदालत ने कहा था कि ये जो डेरे की संपत्तियां हैं इनको आप जब्त कीजिए और जो नुकसान हुआ इस पूरी हिंसा के दौरान उसकी भरपाई होनी चाहिए? क्या ये नहीं कहा था अदालत ने? आप ये कह रहे हैं? फिर मैं निवेदन के साथ आपसे आग्रह करूंगा कि डेरे की संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए, ऐसा कोई आदेश आपके पास हो तो दिखा दीजिए। मुआवजा देने के लिए कहा था, ऐसा कुछ याद है आपको? ये भी आप तथ्य ठीक नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। विषय यह आया था, यह विषय भी माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त कर रखा है। उसमें यह था कि अगर जो भी संपत्ति इनके जो नुकसान हुआ है उस संपत्ति का, एक तो इनके संपत्ति का मूल्यांकन किया जाए, जो नुकसान हुआ है उसकी जब भरपाई का नंबर आएगा तो वो डेरे को कहेंगे, परंतु अभी ऐसा कोई आदेश हरियाणा सरकार को नहीं मिला है। अच्छा धूल साहब, क्या क्या अदालत ने जो ये संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए कहा था और क्या मुआवजे की बात कही थी? बिल्कुल कही थी जोहर जी, को शायद याद नहीं होगा, मैं इनको बता दूं, 25 अगस्त के आफ्टरनून सेशन में भी कहा था कि प्रॉपर्टी में जितनी डेरे की प्रॉपर्टी है उसी से ही इसकी उगाही होगी, जितना भी नुकसान हुआ है। 26 तारीख को भी कहा गया था, 29 को भी कहा गया था और 7 सितंबर को भी कहा गया था। 7 सितंबर के बाद ये मामला 27 सितंबर को आया, 27 सितंबर को भी कहा गया था। इसी कारण से ही जो डेरे की प्रॉपर्टी की लिस्ट जो है कोर्ट के अंदर गई थी। और मैं आपको बता दूं कि 27 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई के अंदर बड़ा स्पष्ट रूप से माननीय कोर्ट ने यह कहा था कि हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए अलग अलग से क्लेम ट्रिब्यूनल भी बनेंगे
और उसके लॉस की असेसमेंट करने के बाद में वो क्लेम ट्रिब्यूनल जो है डेरे की संपत्ति से जो है उसके उसके नुकसान की उगाही करने के बाद में और लोगों को बांटेंगे। ठीक है, एक बार मैं जवाब आपके पास आता हूँ, एक रिएक्शन ले लूं। धूल साहब बता रहे हैं, जवाहर यादव साहब, एक नहीं पांच पांच सुनवाई में अदालत ने इसका जिक्र किया था, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इसका जिक्र है और क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने तक की बात की गई थी और इसीलिए डेरे की संपत्ति का आकलन भी किया जा रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर देखिए मैं इन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जैसे रविंदर जी ने कहा हुआ कि जवाहर यादव भूल गए, मैं तथ्यों पर बात करूंगा। अभी खुद रविंदर ढुल जी कह रहे हैं इसके लिए ट्रिब्यूनल बना, ऐसा कोई आदेश हो गया है क्या कि इसका यह नुकसान हुआ और इसको इतना पैसा देना है? क्या माननीय न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश दे दिया? क्या किसी ट्रिब्यूनल ने ऐसा कोई आदेश दे दिया? तो आप, मुझे लगता है तथ्यों को तोड़िए मरोड़िए नहीं, हम तथ्यों के आधार पर बात करें और ठीक बात करें, मेरा ऐसा आग्रह है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि अदालत ने अगर ये कहा कि आप इनकी संपत्ति का पूरा आकलन कीजिए, क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने की बात कही और ये कहा, ठीक है अभी आदेश नहीं दिया कि आप दे दीजिए, लेकिन ये कहा कि मुआवजा जो है वो देना चाहिए जो नुकसान हुआ, तो ये जो डेरे की सारी संपत्तियों का आकलन हो रहा है, जो सारी गतिविधियां रोकी गई, ये किसने, इसीलिए रोकी गई थी ना, आज आपने उसको फिर से उसकी इजाजत दे दी, क्या ऐसा बदल गया जो उसकी इजाजत दी गई? नहीं, आप फिर तथ्य गलत कर रहे हैं। कोर्ट ने केवल ये कहा था कि वहां तलाशी ली जाए और वहां देखा जाए कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो कि असंवैधानिक हो, गलत हो। उसके लिए माननीय न्यायालय ने ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की, कोर्ट कमिश्नर काम कर रहा है, हमें जैसे आदेश मिलेंगे हम उसका पालन करेंगे। कोर्ट कमिश्नर ने आपसे कहा कि वहां पर जो है सत्संग होने दे दीजिए, कहा है कोर्ट कमिश्नर ने आपसे? फिर मैं ये कह रहा हूं, कोर्ट कमिश्नर ने यह आदेश ही नहीं किया, कोर्ट कमिश्नर के या जो माननीय न्यायालय के आदेश है वो सेंसिटाइजेशन के लिए तक, केवल तलाशी आपने लेनी है। दूसरा, हमने एक एहतियात जो बरती है वो ये बरती है, इनकी कोई भी संपत्ति ये बेच नहीं सकते, किसी भी संपत्ति को ये बेच नहीं सकते, हम कोई परमिशन नहीं देंगे। मुझे एक बात बताइए, मैं संदीप जी और दूल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जवाहर जी मुझे एक बात बताइए, आपको दूल साहब एक सेकंड आ रहा हूँ, एक सवाल मैं पूछ लूँ फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, कि मुझे ये बताइए कि जो डेरे के प्रमुख राम रहीम को जिस दिन फैसला सुनाया गया और उस दिन जो हिंसा हुई, उसके लेकर जो लोग इकट्ठा हुए, वो कैसे उठे इकट्ठा हुए थे आपको भी पता है। आप आज की तारीख में डेरा को अपना काम करने दे रहे हैं, उन तमाम लोगों को फिर से इकट्ठा करने दे रहे हैं, और जब हत्या के मामले में फैसला आएगा तो आप ये मौका दे रहे हैं कि फिर से उस भीड़ को यह बताया जाए कि किस तरीके से बाबा के साथ गलत हुआ है, उसको फंसाया गया है और फिर से हिंसा हो सके, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग की है, मेरे दिमाग की है? कोई आपसे जाट आंदोलन नहीं संभला, आपसे रामपाल का मामला नहीं संभला, आपसे राम रहीम पार्ट वन नहीं संभला और राम रहीम पार्ट टू आप तैयार कर रहे हैं ये करके। सर मैं उत्तर दे रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को ये चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन कर दे। किसी भी हर व्यक्ति की एक निजी आस्था होती है कि उसकी पूजा पद्धति क्या है, उसकी धार्मिक आस्था क्या है, उसका खान पान क्या है, उसका रहन सहन क्या है, इसके लिए कोई भी सरकार कैसे तय कर सकती है? कोई ऐसा, फिर मैं कहूंगा कोई आदेश हो तो आप मुझे कुछ की कॉपी दे सकते हैं। और आपके पास ऐसा कोई आदेश है जिसमें लिखा हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते एक ऐसे डेरे में जहां पर लोग इकट्ठा होकर ओबी वैन जला दें, पत्रकारों को पीटने लग जाएं, लोगों को परेशान करें, उस जगह पर लोगों को फिर से इकट्ठा होने दें, इसको ना रोकें, इसके लिए आपके पास कोई आदेश है क्या? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सरकार की वो है, अगर कोई भी कहीं ऐसा आएगा कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा तो ये मान के चलिए हमारी सरकार सख्त से सख्त कानून, आपने सख्त कार्रवाई जाट आंदोलन में क्या की, हमने देखा संपत्ति का नुकसान हुआ, वो संपत्ति मेरे टैक्स से भी बनती है, आपके टैक्स से भी बनती है। रामपाल के मामले में क्या हुआ हमने देखा। मैं उत्तर दे रहा हूं आपका, जाट आंदोलन में ऐतिहासिक काम हुआ, आप याद कीजिए 1984 जलतारा, पुलिस ने एक गोली नहीं चलाई, जो भी कानून अपने हाथ में लेगा सख्त से सख्त उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, ये हमारी सरकार की विशेषता है। विशेषता तो हमने देखी सर, सड़क पर जब महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया और उस मामले की भी जांच करानी पड़ी। संदीप मिश्रा, मैं दूल साहब आपके पास आ रहा हूं, संदीप मिश्रा ये बताइए, बलात्कार की जांच नहीं करानी चाहिए क्या? नहीं, बलात्कार की जांच नहीं करानी चाहिए, बलात्कार की जांच तो करानी चाहिए, बलात्कार होने नहीं देना चाहिए जो आपकी सरकार ने होने दिया।
मीडिया के साथ जो हुआ राम रहीम के मामले में वो होने नहीं देना था। लाखों समर्थक इकट्ठा हो गए, कोर्ट को कहना पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, ये नहीं होना चाहिए था, और आप अपनी अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। अरे सर, जिसको आप जिस स्टेट को आप अपना आदर्श मानते हैं इंटरनेशनल स्तर पे, कौन सा एक देश है जिसमें आप ये कहते हैं कि बलात्कार नहीं होता? बलात्कार किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, परंतु होता है तो कानून को सख्त से सख्त आदेश देने चाहिए और उसको कड़ा से कड़े कानून का पालन करना चाहिए। बलात्कार दुनिया में हर हिस्से में होते होंगे, लेकिन जाट आंदोलन की तरफ वक्त जो बलात्कार हुए वो आपकी नाकामी का नतीजा थे और इसलिए हुए, और इसलिए आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कोई एक उदाहरण दिखा दीजिए, कोई एक उदाहरण दिखा दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में था, इसमें उदाहरण क्या देना? सबको पता है कि जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई, जो दुकानें जलाई गई, वो आपके लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था। सर, मेरा मित्र, मुझे मेरा एक निवेदन आग्रह के साथ है कि आपको तथ्यों के साथ बैठना चाहिए, अच्छी रहेगा। बिल्कुल तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा सरकार का मामला नहीं है, क्या ये तथ्य गलत है? किसी कोई एक महिला दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि मेरे साथ जाट आंदोलन में बलात्कार हुआ। आप अपने मन की चीजें चलाएंगे क्या देश के सामने? कोई एक महिला का एविडेंस दे दीजिए। दुकानें किसने जलाई? दुकानें भी नहीं जली होंगी आपके हिसाब से, उस कोई हिंसा नहीं हुई होगी। जिसमें दुकानें जली, तो अब इसका उत्तर ले लीजिए, इसका उत्तर ले। आपने कहा दुकानें जली और हिंसा हुई या नहीं हुई? दुकानें जली और हिंसा हुई, परंतु उस पर इससे सख्त कार्रवाई पूरे देश में आज तक नहीं हुई है। अरे सर, जाने दीजिए। संदीप जी, मुझे ये बताइए कि डेरा जो है वो एक ट्रस्ट भी है, ठीक है? अभी उस ट्रस्ट का काम कौन देख रहा है? अगर राम रहीम उसके प्रमुख हैं और वो जेल में हैं, तो कोई दूसरा प्रमुख क्यों नहीं बनता उसका काम देखने के लिए और डेरा को चलाने के लिए? डेरा की चिंता सुशांत जी डेरे के ऊपर छोड़ दो कि वो कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा। ये जिम्मेदारी हम 6 करोड़ लोगों पे छोड़ दो कि हम कैसे रहना चाहते हैं, कैसे अपनी आस्था के केंद्र में रहना चाहते हैं और कैसे अपनी व्यवस्था को देखना चाहते हैं। जब वो लोग उत्पात मचाते हैं तो छोड़ें? जब वो भीड़ उत्पात मचाती है, लाखों लोग इकट्ठा हो जाए इस तरीके से कि अदालत को कहना पड़े कि आपने पूरे शहर को बंधक बना लिया, तब किस पर छोड़े? ये सिर्फ इंडिया न्यूज कह रहा है और इंडिया न्यूज कह रहा है तो सारे चैनल पर ये क्या इंडिया न्यूज अदालत में बैठा था सर? क्या आपने अदालत में क्या इंडिया न्यूज बैठकर बोल रहा था लॉ एंड ऑर्डर फेलियर? आप कोई सीक्वल बना रहे हैं क्या? आप दंगों का सीक्वल बना रहे हैं क्या? सुशांत जी, आपने राम रहीम पार्ट 2 भी शुरू कर दिया। आप कैसी मीडिया है, कैसी जिम्मेदारी है, क्या नैतिक? राम रहीम पार्ट 2 शुरू नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ अगर राम रहीम को फिर से सजा हुई और ये लाखों लोग जो आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, आप तो फिर से तैयारी कर लेंगे। चौथा स्तंभ है सुशांत जी, आप चौथा, और हरियाणा सरकार आपके साथ खड़ी हो जाएगी। सारी हिंसा के बाद कह देगी हमने बाद में इसको संभाल लिया। आपको जवाहर जी ने 4 बार कहा कि आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं। जवाहर जी 4 बार कह रहे हैं और अदालत ने 5 बार कह दिया कि आपको मुआवजा देना चाहिए। धूल साहब ने बताया एक एक तारीख के साथ कि अदालत ने किस तारीख में क्या कहा, वो आपको नहीं सुनाई दे रहा। क्या बता रहे हैं मुझे उससे नहीं पता, ढुल साहब से मुझे नहीं पता सरकार क्या बता रही है और मेरे वकील क्या बता रहे। मुझे इस बात से पता है, ढुल साहब की अपनी जानकारी होगी, उनका अपना विवेक है, उनके विवेक पे मेरा सवाल नहीं है। लेकिन जो आप पार्ट 2 शुरू करा रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि एक भी डेरे का व्यक्ति अभी तक दोषी करार नहीं दिया गया दंगे के मामले में, और आप पार्ट 2 की तैयारी मुल्क में करा रहे। ये जिम्मेदारी राम रहीम पर हत्या का मामला चल रहा है या नहीं चल रहा? आप लोग आतंकवाद, राम रहीम पर हत्या का मामला चल रहा है या नहीं चल रहा, मुझे ये बताइए। चल, आरोप सिद्ध हो गया क्या? मैं कह रहा हूँ चल रहा है या नहीं चल रहा? आरोप सिद्ध हो गया क्या? आप मेरे को बताओ, फैसला सुना रहे हो? जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएगा, अगर जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएगा, अगर आप इसी इलाके की भीड़ को फिर बरगला देंगे कि सड़क पर चले जाओ और ये बाबा के साथ गलत हो रहा हंगामा करो, इसकी गारंटी क्या जवाहर यादव लेंगे? जवाहर यादव गारंटी लेंगे कि आप लाखों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे? ऐसे पत्रकारों की नाकामी है जो देश आज इस मुहाने ये पत्रकारों की वजह से है कि आज वो बाबा जेल में है। ये पत्रकारों की वजह से है कि आज हनीप्रीत को जो आप लोग वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, हनीप्रीत से मिलने के लिए उसके घर वाले को जो आप लोग वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, हनीप्रीत से मिलने के लिए उसके घर वाले गाड़ी लेकर जेल में जा रहे हैं, ये पत्रकारों की वजह से रुकता है और सामने आता है। एक षड्यंत्र कर रहे हैं कि पार्ट 2 होगा, ये पत्रकारों की वजह से कि आज हनीप्रीत जेल में है। नहीं तो हनीप्रीत तो कहां गायब थी किसी को पता नहीं, और लोग इधर से लेकर नेपाल तक ढूंढ रहे थे। ये इनका पत्रकार की वजह से जेल तक गई है,
ये गलत आरोप लगे हैं। कुलवंत सिंह बाजीगर का बयान, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, देशद्रोह का मामला गलत रखा, मुझे ये बताइए संदीप जी, संदीप जी मुझे ये बताइए, कोई पत्रकार, संदीप जी मुझे ये बताइए, संदीप जी मुझे ये बताइए कि क्या डेरा राम रहीम जेल में बैठकर चलाएंगे? वो कहीं भी चलाए, हमारे गुरु है वो डेरा, क्या वो चला रहे हैं? माइंड से भी पहले मुझे ये बताइए क्या वो चला रहे हैं? वो साहब मस्ताना जी के बाद तीसरी बॉडी है, और जब हमारे गुरु है, हमारे आध्यात्मिक गुरु है, उसमें शरीर की दूरी कहा है सिन्हा जी? आध्यात्म में शरीर की दूरियां कहा होती है? तो नहीं है शरीर की दूरी, तो किसी और को डेरा प्रमुख बना दीजिए, अगर आता किसी और को डेरा प्रमुख क्यों नहीं बनाते? नहीं है कुछ भी, ये उनकी पारिवारिक संपत्ति तो है नहीं डेरा, डेरा उनकी पारिवारिक संपत्ति तो है नहीं, कि अगर वो नहीं रहेंगे तो उनका बेटा, उनकी बेटी या कोई और नहीं हो सकता। चौरसिया जी को हटा के आप, दीपक चौरसिया जी को हटा के आप एडिटर क्यों नहीं बन जाते साहब? आप तो इतना छोटा सा फैसला, दीपक चौरसिया जी जेल नहीं गए, दीपक चौरसिया जी जेल नहीं गए, और हमारा चैनल जो है, तो मैं क्या, हमारा चैनल जो है वो कोई ट्रस्ट नहीं है, हमारा चैनल ट्रस्ट नहीं है। दूसरा मुझे एक नियम, मैं आपको रोक के समझाता हूँ, आप जो अनर्गल बात कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ, जरा जरा तर्क से बात कीजिए। धूलसा मुझे ये बताइए, धूलसा मुझे ये बताइए, संदीप जी रुकिए, आपकी आप जो तर्क दे रहे हैं ना वो वाहियात है, इसलिए मैं उसमें बात नहीं कर सकता। मुझे ये बताइए धूल साहब, आप वाहियात सवाल कर रहे हैं, आपने पार्ट टू की घोषणा कर दी, आप वाहियात तर्कहीन सवाल कर रहे हैं, तर्कहीन सवाल कैसे, ये बिल्कुल तर्क वाला सवाल है। धूल साहब मुझे एक बात बताइए दर्शकों के लिए, कि अगर कोई ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट का प्रमुख जेल चला जाए तो कानून क्या कहता है? देखिए मैं आपको बता दूं, इस मामले के अंदर कानून बड़ा स्पष्ट है, और कोर्ट का जो अपना ट्रस्ट जो है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के पास में वाइड पावर्स हैं हमारे ट्रस्ट एक्ट के तहत, कि ट्रस्ट की मैनेजमेंट को अपने पास में ले ले, पहली बात। दूसरी बात जो है ना, फैक्ट्स को मैं डिस्टॉर्ट जो किया गया उनको स्पष्ट कर दूं, माननीय कोर्ट का आदेश था कि डेरे से इसकी रिकवरी की जाएगी, उसके बाद में माननीय कोर्ट के आदेश के बाद में हरियाणा सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी की, और नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट के ऊपर है कि रिकवरी के लिए जो है क्लेम्स लिए जाएंगे, और उसके अलावा अखबार के अंदर भी उसकी जो कटिंग आई थी, आपको ये बता दूं, उसी की जो एडवांस जो आपके बाद में जो हमारी बात हुई थी 27 सितंबर की जो तारीख थी, उसमें यही कहा गया था कि जो रिकवरी वाला पार्ट है कोर्ट के पास में अगर हम यह करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसे हम रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर, हरियाणा और पंजाब के अंदर क्लेम कमिश्नर बना करके दे देते हैं। और जहां तक बात जवाहर जी ने कहा कि हमने एक एहतियात बरती कि इनको जो है बेचने से रोक दिया, तो मैं इनको बता दूं, वो माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आप जो है इस प्रॉपर्टी को तब तक डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास नहीं करेंगे जब तक आपसे इस पूरे के पूरे मामले में नुकसान की जो है रिकवरी नहीं हो जाती। और तीसरी बात, एक और फैक्ट आपको बता दूं, जो आज का रिसेंट फैक्ट है वो आपके मीडिया के बंधुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब की तरफ से भी इस मामले में एप्लीकेशन लगाई गई है कि उनकी 43 गाड़ियों को जलाया गया है इस मामले में, जो पंचकुला हिंसा के अंदर पत्रकारों की 43 गाड़ियां जली हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई होगी। अब इस चीज को हम संजीदा ना लेकर के इस प्रकार की बात करें और ये कहें कि भाई कि माननीय कोर्ट की तरफ से ऐसे आदेश नहीं हुआ था, यदि आदेश की प्रति यहां पर दिखानी है मैं उन्हें भी दिखा सकता हूं, यदि आदेश की प्रति पढ़ करके सुनानी है वो भी मैं पढ़ करके सुना सकता हूं। आदेश की कॉपी पंजाब हरियाणा प्राइवेट आपके पास आदेश की कॉपी है, जितना भी डैमेज है सारा बिल्कुल है मेरे पास, मेरे मोबाइल में है। जो आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद में मैं अभी ब्रेक लूंगा, मैं ब्रेक लूंगा, मैं अभी प्रिंट आउट लेकर नहीं आया, मुझसे गलती हो गई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जवाहर यादव साहब इस तरीके से तथ्यों से मुकर जाएंगे, तो मैं शायद लेकर आता हूँ, लेकिन गुल साहब वो ब्रेक के बाद मैं आपसे सुनूंगा, उत्तर देता हूँ। ठीक है जवाहर साहब, उत्तर दीजिए जी। देखिए एक तो रविंदर ढुल जी ने कहा, हमने खुद कहा कि मैंने खुद कहा कि कोर्ट कमिश्नर तय करेगा, तो कोर्ट कमिश्नर तो अभी कोई ऐसे आदेश दिए नहीं, दिए कोई आदेश दिए हो तो मुझे बता दीजिए। कोर्ट कमिश्नर के प्रव्यू में नहीं है सर, मैंने इस पूरे विषय के, ये प्रव्यू कोर्ट कमिश्नर के प्रव्यू में नहीं है सर। ये देखिए, अच्छा मैं बीच में नहीं आ रहा था ना जी सर, आप इसको डिस्टॉर्ट मत कीजिए, कोर्ट कमिश्नर केवल अलग काम के लिए लगाए गए हैं। अब दूसरा रविंदर ढुल जी ने एक अच्छी सलाह दी मेरे मित्र संदीप मिश्रा जी को, उन्होंने संदीप मिश्रा जी को ये कहा कि डेरे प्रमुख को वो को नहीं चलाना चाहिए था क्योंकि वो जेल में है। तो आपकी राजनीतिक पार्टी भी कोई व्यक्ति की पार्टी थोड़ी है, वो भी लोगों का समूह है। तुम्हारा आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको 10 साल की सजा है, जिनकी आगे कोई अपील नहीं बची, वो जब एक राजनीतिक पार्टी चला सकता है जेल में होते हुए, तो
डेरे का भी विशेषाधिकार है। जवाहर जी मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से आप कार्यकर्ता आपकी पार्टी कैसे तय करेंगे? जवाहर जी आप जो चाहे बोल सकते हैं। जवाहर जी मैं एक तो मैं ब्रेक के बाद समय खराब कर रहे हैं, जवाहर जी मैं एक ब्रेक के बाद पहले तो हम ये सुनाएंगे कि वोट का आदेश क्या है, ताकि दर्शकों को पता चले कि हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता टेलीविजन पर बैठ के कैसे तथ्यों को मोड़ रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि डेरा पर जो सवाल उठ रहे हैं उनको बचाया जा सके। ठीक है, ठीक है। दूसरा जवाहर जी मुझे ये बताइए, लोगों की अगर आस्था का मामला है, जवाहर जी मुझे एक बात बताइए, जवाहर जी अगर ये लोगों की आस्था का मामला है, और अगर आप जो है ये चाहते थे कि भाई लोग जो है वो जाए सत्संग हो वहां पर, ठीक है, आपने इस ट्रस्ट को इस डेरे को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लिया? आपने उस वहां पर जो सारी व्यवस्था है वो अपने हाथ में लेकर और फिर आप कहते कि ये सारी चीजें हो पाएंगी। मैं इसमें एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं, आप भी बने रहिए हमारे साथ। खबर जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, डेरा प्रमुख राम रहीम जेल में है, लेकिन डेरे की संपत्तियां जो हैं वो अब वहां पर सत्संग शुरू हो चुका है, और जो कॉम्पनसेशन देने की बात थी, मुआवजा देने की बात थी, उसका क्या हुआ और क्या जेल से ही डेरे का खेल चला रहा है राम रहीम, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जवाहर यादव हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संदीप मिश्रा डेरा के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, और रविन्द्र सिंह धूल वकील हमारे साथ बने हुए हैं। रविन्द्र जी आपके पास वो अब हिस्सा है अदालत ने जो कहा था उसका कि मुआवजे को लेकर क्या करना है। जी देखिए मैं आपको ऑर्डर पढ़ करके सुना रहा हूँ। बार बार सबसिक्वेंट डेट्स पे भी कहा गया 25 अगस्त को आफ्टर लंच सेशन के अंदर का, मैं आपको इंग्लिश में ऑर्डर तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ करके सुना रहा हूँ। लिखा हुआ है, इट इज मेड क्लियर दैट हूसोएवर हैज बीन इंस्टिगेटिंग एंड इंसाइटिंग द क्राउड दैट हैज गैदर्ड टू कमिट दीज एक्ट्स ऑफ आर्सन, दे शुड बी स्ट्रिक्टली डेल्ट विद। द डैमेजेस दैट आर कॉज्ड इन पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम देम। आप शब्द सुनेंगे, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कॉज किया गया वो उनसे रिकवर किया जाएगा। इसके बाद में रिस्पोंडेंट नंबर 7 डेरा सच्चा सौदा शैल सबमिट ए लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज विच कैन बी अटैच्ड इन केस फ्रॉम विच दिस रिकवरी कैन बी मेड। तो पहला तो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन लोगों ने वायलेंस किया जैसे कि ये आपके सामने है, इन लोगों से ही इस प्रॉपर्टी डैमेज की जो है रिकवरी की जाएगी। ये आदेश डेरे के वकील साहब के प्रेजेंस में किया गया है, मिस्टर एस के गर्ग सीनियर एडवोकेट वहां पर मौजूद थे। और उसके अलावा ये कहा गया कि डेरा अपने प्रॉपर्टीज के लिए हरियाणा और पंजाब दोनों को देगा ताकि उस प्रॉपर्टी को अटैच करके उसे ये रिकवरी की जा सके। ठीक है, ये 25/8/2017 का ऑर्डर है। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहूंगा, जो ये बात कह रहे हैं इससे किसने मना किया? परंतु यही आपने मना किया शो के शुरू 2013 में आपने मना किया शो के शुरू में। मैं बता रहा हूं मैंने क्या कहा। अरे मैंने क्या कहा मैं वो बता रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहा क्यों नहीं दिया। मैंने कहा अभी तक ये कोई ऑर्डर नहीं है कि ये देना है। 2013 में ये ऑर्डर हुड्डा साहब की सरकार में ऑर्डर है। सर ऑर्डर है जवाहर जी, ऑर्डर है। अरे सर ऑर्डर है जवाहर जी, ऑर्डर पढ़ के सुनाया, इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम देम। अरे सुन लीजिए, अब आप फोबिया में चले जाएंगे, आप इसको डेविएट मत कीजिए इस इशू को। अरे आप सुन लीजिए भैया जी, अरे सुन लीजिए, ये आप तय नहीं करेंगे मुझे क्या बोलना है। सुन लीजिए अपने थोड़ा सा, इस तरह के ऑर्डर 2013 में हुड्डा साहब के समय जो जाट आंदोलन हुआ था उसमें भी यही ऑर्डर थे माननीय न्यायालय के। उसके बाद जो हमारी सरकार में जाट आंदोलन हुआ था नहीं थे भी माननीय न्यायालय के, ये गलत बता रहे हैं। जब उस समय पर नहीं थे। अरे आप नहीं थे। अरे ये आपका मत है ना, ये आपका मत है ना सर। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं थे 2013 में ऐसे ऑर्डर। अरे आपका, अरे ये आपको नहीं, आपको ये पढ़ के सुना दिया, मैं वो भी पढ़ के सुना। जवाहर साहब मुझे ये बताइए, अभी तो आपको शुरू में आप कह रहे थे कि ऐसा कुछ कोर्ट ने कहा ही नहीं, मुआवजा देने के लिए कहा ही नहीं, संपत्ति से डेरा की संपत्ति से मुआवजा देने के लिए कहा ही नहीं आपने कहा। जब आपको ऑर्डर की कॉपी सुना दी गई, अब आप कह रहे हैं कि वो नहीं कहा था मैंने, ये कहा था। अगर आप डेरा की संपत्ति से जाए ना, अरे ये कोर्ट में जाए ना, ये तो वकील है उस केस में, ये जाए कि हरियाणा सरकार ने इस ऑर्डर का पालन नहीं किया।
ये जाए कोर्ट में कि हरियाणा सरकार ने इस ऑर्डर की अवहेलना की है। वो तो वो चले जाएंगे, मुझे ये बताइए आपने पालन नहीं किया। अगर वो सुना रहे हैं मैं तो ये आदेश है, आपने डेरा की संपत्तियां जो है वो क्यों खोल दी, डेरा की संपत्तियां क्यों खोल दी? आपको वोट दिख रहा है कि डेरा के चक्कर में आपके वोट ना चले जाए, ये वजह तो नहीं है? अब उत्तर सुन लीजिए, ऐसा वोट किसका जाएगा, वोट की चिंता कम से कम राजनीति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल ना करें। और वोट की चिंता कौन करते हैं, कौन राजनीतिक पार्टी है? मेरे मित्र के जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उनके नेता ने भी कहा था कि मेरी एक कोई फोटो दिखा देना रिजाइन कर दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। उनकी भी फोटो आ गई और उनके पिताश्री की भी आ गई। इसलिए राजनीति नहीं ली इस बीच में, मैं राजनीतिक विषय पर इसमें डिबेट नहीं करना चाहता। रविंदर डुल जी मेरे मित्र भी है और वकील भी है। बोले सर कि हरियाणा सरकार, अरे सर आप जाए और कहे हरियाणा सरकार मैं जा रहा हूँ, अरे आपको जाके कह देंगे, मैं कह रहा हूँ आप तो बताइए, आप सरकार है, चुनी हुई सरकार है और आप डेरा के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं, एक ऐसे डेरा जिसका प्रमुख जेल में बैठा हुआ है। बोलने नहीं देंगे, मुझे ये बताइए आपने डेरा को अपने हाथ में क्यों नहीं लिया? अगर ये आस्था का भी मामला था, ट्रस्ट को लेकर जो नियम है आप उसको अपने हाथ में ले सकते थे, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आईएनएलडी को अपने हाथ में नहीं लिया, आईएनएलडी छोड़ दीजिए सर, आईएनएलडी और डेरा सच्चा एक है क्या? आईएनएलडी और डेरा सच्चा एक है क्या? अरे दोनों लोगों का समूह है, दोनों लोगों का समूह है, एक राजनीतिक पार्टी एक सामाजिक संस्था। बहुत बढ़िया, फिर आप कल को कहेंगे ये लोगों का समूह हिंसा कर देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ पॉलिटिकल पार्टी में? अरे फर्क अगर लोगों का समूह है मतलब आप ये मापदंड चाहते हैं कि धर्म गुरु को तो पकड़ा जाना चाहिए, जो राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष है उसको लागू नहीं होना चाहिए? जवाहर साहब, एक ट्रस्ट का प्रमुख जेल में बैठा है, राजनीतिक, मुझे ये बताइए एक ट्रस्ट का प्रमुख जेल में बैठा है? अरे मैं भी तो ये, अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए जवाहर जी, मेरी बात सर, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, बात तो सुन लीजिए, मैं भी यही कह रहा हूँ, चौटाला कह रहा हूँ, बात सुन, राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों है? मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस देश में आप खुद मानेंगे प्रधानमंत्री जो है जो शेल कंपनीज हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, उन शेल कंपनीज पे कार्रवाई करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया आपको पता है? उन्होंने जो शेल कंपनीज के डायरेक्टर्स थे उनको लिस्ट कर दिया कि ये जो है अयोग्य घोषित किए जाते हैं, वो भी कहते कि वो भी समूह है, हम उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आपने वहां तो समूह नहीं देखा, आपको आईएनएलडी समूह दिखता है, आपको डेरा सच्चा सौदा समूह दिखता है। अब इसका अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, उत्तर वो समूह जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? आप ही उत्तर देता हूँ, उत्तर कंपनियों को सील करने का नहीं है, उत्तर दे देता हूँ, डिबेट कंपनियों को उत्तर दे देता हूँ, फिर भी इसका उत्तर दे देता हूँ। डेरे में जो जो लोगों पर डाउट थे, जिस जिसके प्रति हमें एविडेंस मिले, उन सब पे कानून ने अपना काम किया। क्या काम किया? आदित्य इंसा आज तक आप पकड़ नहीं पाए। गुजरात में जब आसाराम पे कार्रवाई हुई थी, मैं आपको बताऊं, आसाराम पे जब कार्रवाई हुई थी गुजरात में आपकी सरकार की, बीजेपी को बताना, जितनी रिकवरी हुई थी पुलिस ने खुद जाकर आईटी को दे दी थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता रह गया, हरियाणा पुलिस सामान देने को तैयार नहीं थी। हनीप्रीत के घर वाले उससे गाड़ी में अंदर मिलने जा रहे हैं, ये सुविधाएं दे रहे हैं आप। आईटी रिटर्न तो आईटी डिपार्टमेंट ही देगा, आईटी रिटर्न तो आईटी डिपार्टमेंट देगा, ये नियम है। आईटी रिटर्न नहीं, जो सामान रिकवर हुआ वो पुलिस को इनकम टैक्स को सौंपना था, जो कि गुजरात में हुआ लेकिन हरियाणा में नहीं हुआ। हरियाणा में नियमों को ताक पर रखकर घर वाले जेल के अंदर चले गए मिलने के लिए। अरे आपको पता नहीं सुशांत जी, आपको पता नहीं इसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त है, एक एक चीज कोर्ट कमिश्नर के आदेश पर हो रही है, आप कहां की चीज कहां जोड़ रहे हैं? कहां की चीज पता ही नहीं, बिल्कुल सामने है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगता रह गया और पुलिस देने को तैयार नहीं थी, बड़ी मुश्किल से चीजें गई हैं। आप माननीय न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं सुशांत जी, आप माननीय न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। मुझे ये बताइए हनीप्रीत से मिलने लोग गए थे अंदर, हनीप्रीत के घर वाले जेल के अंदर कैसे गए गाड़ी लेकर, ये बताइए। नहीं गए जेल में गाड़ी लेकर, अरे सर हमारे पास फुटेज है, हम दिखा रहे हैं, हम फुटेज दिखा रहे हैं, आप लोग बैठ के टेलीविजन पर कुछ भी बोल देंगे थोड़ी चलेगा। आप भैया आपको पता ही नहीं, मैं तो ये बताता हूँ, खाली गाड़ी गई है वहां। नहीं,
खाली गाड़ी अंदर गई थी, खाली गाड़ी अंदर क्यों गई थी ये भी बता दीजिए, खाली गाड़ी अंदर क्यों गई थी ये भी बता दीजिए, खाली गाड़ी अंदर क्यों गई थी, बिना तैयारी के बैठे मैं पूछ रहा हूँ, खाली गाड़ी अंदर क्यों गई थी, खाली गाड़ी अंदर क्यों गई थी, क्या ड्राइवर घूमने गया था अंदर? मैं 25 बार चल गया, वो 25 बार चल गया, चल चुका है केपी सिंह साहब का बयान आपके चैनल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ खाली गाड़ी अंदर किस लिए गई थी, तैयारी के नेशनल चैनल, खाली गाड़ी अंदर किस लिए गई थी ये बताइए ना, बयान साहब का मैं कह रहा हूँ, खाली गाड़ी किस लिए अंदर गई थी, 40 बार चला चुका है, खाली गाड़ी अंदर किस लिए गई थी आपका, खाली गाड़ी अंदर किस लिए गई थी ये बता दीजिए संदीप जी, खाली गाड़ी अंदर किस लिए गई थी, कुछ पता ही मेरी गाड़ी, खाली गाड़ी अंदर जाएगी क्या जेल के अंदर, मेरी खाली गाड़ी अंदर जाएगी क्या जेल के अंदर, समझ रहा था तैयारी के बिना ही आ गए, मेरी खाली गाड़ी जेल के अंदर जाएगी, संदीप मिश्रा की खाली गाड़ी जेल के अंदर जा सकती है क्या, खाली गाड़ी जेल घूमने गई थी आपका बयान सुनो 40 बार आपके चैनल, खाली गाड़ी जेल घूमने गई थी क्या, 40 बार चला आपके चैनल पे, एक बार आप भी सुन लो, मैं 100 बार सुन चुका हूँ, मैं 100 बार सुन चुका हूँ, आप पर लोग जब मीडिया ने सवाल उठाने शुरू किए तो बोल दिया गया खाली गाड़ी अंदर गई, खाली गाड़ी अंदर क्यों गई कोई ये बताए, संदीप मिश्रा ये बताइए खाली गाड़ी अंदर क्यों गई, ऐसा नहीं करो, खाली गाड़ी अंदर क्यों गई इसका तर्क बता दीजिए, जवाहर यादव जी ने कई बार बोला है, मैं समय का रिकॉर्ड जवाहर यादव जी ने दिया, कितने मिनट कितने सेकंड पे गई है आप लोगों को कुछ पता ही नहीं, रोड पुरानी जवाहर साहब तो ठीक है बोलिए, जवाहर साहब बोलिए, हाँ देखिए देखिए आपने कहा कि वहां गाड़ी अंदर क्यों गई, जितने लोग उस समय मिलने आए थे वो मिलकर और मुख्य आरोपी से जब बाहर निकले और जेल का जो बाद का गेट होता है सेकंड गेट होता है जो पार्क वगैरह के बाद आता है जिसको फर्स्ट गेट कहते हैं, उसके बाद पार्क और रोड वगैरह आते हैं फिर मुख्य जेल शुरू होती है, जब वो लोग बाहर निकल रहे थे उस समय मीडिया का वहां जमावड़ा लगा हुआ था, उन्होंने कहा जी हम मीडिया को बाइट नहीं देना चाहते हम जाना चाहते हैं, तो उन्होंने आग्रह किया कि जेल का नहीं जो उसका पहला गेट है कि एक सेकंड उसकी गाड़ी अंदर ला दीजिए, 5:42 पर वो गाड़ी छोड़ने के लिए अंदर नहीं आई थी, 5:42 पर वो गेट के अंदर गई, 10 मीटर वो अंदर रही और 5:44 पे उन लोगों को लेकर मीडिया का जो जमावड़ा था सर, अगर मीडिया के मीडिया का वहां कोई जमावड़ा नहीं था पहली बात, दूसरी बात जो गाड़ी अंदर गई थी फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग हर चीज में झूठ बोल रहे हैं, अभी तो आप कह रहे थे अदालत ने नहीं कहा, जब अदालत की बात सुनवा दी गई आपने कहा कि नहीं हमने इस तरीके से नहीं कहा, फिर आप जो कह रहे हैं कि गाड़ी जो है वो अंदर गई खाली गई, अदालत ने उसके बाद जब वो बाहर निकली तो उनको बैठाकर निकल गई, अदालत ने ये नहीं कहा, अदालत ने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं, अदालत ने ये नहीं कहा कि किस व्यक्ति को क्यों मुआवजा दे दो, मैंने भी नहीं कहा, जो संस्था मैंने भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा, लेकिन अदालत ने ये जरूर कहा, अदालत ने ये जरूर कहा कि उसी संपत्ति से आप मुआवजा देंगे और उस संपत्ति को आज जो है आप खोल के बैठ गए, हाँ तो इसके लिए मना किसने किया, आप उस ट्रस्ट को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं जिसके लाखों लोगों ने हिंसा की, जिसने गाड़ियां जला दी, जिसने हंगामा किया, कैसी बातें कर रहे हो आप मौलिक अधिकारों के हनन की बात कर रहे हो, धार्मिक स्वतंत्रता के हनन की बात कर रहे हो, आप संविधान से ऊपर हो गए क्या, क्या क्या अदालत को आपने ये बताया कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है कि लाखों लोग जो है वो आकर खड़े हो जाए और हम उनको रोके नहीं, अरे न्यायालय ने ये नहीं कहा यार, आपको क्या कहे सर, न्यायालय ने ये नहीं कहा, मैं इतनी पर्सनल डिबेट में आपके तथ्यों को तथ्य ही नहीं बताना चाहता, माननीय न्यायालय ने ऐसा कुछ नहीं कहा, माननीय न्यायालय ने भरपाई, माननीय न्यायालय ने क्या क्या टिप्पणी की आपको याद है, जब वो लाखों लोग खड़े हो गए थे, लाखों लोग जमा हो गए थे, माननीय न्यायालय ने कुछ नहीं कहा था, सुशांत जी मुझे लगता है कि आप डिबेट विषय पे कर लीजिए, मेरा निवेदन ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब मैं आपको तर्क बताता हूँ पहले आप उस बात को बिल्कुल बिल्कुल दूसरी तरफ ले जाते हैं, फिर जब मैं आपको तर्क रखता हूँ तो आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, उत्तर दे रहा हूँ, माननीय न्यायालय ने जो जो कहा वो सारा हमने पालन किया, इसलिए आप और चिंता नहीं कीजिए, और माननीय न्यायालय के समक्ष उत्तर हमारा उत्तरदायित्व वो हम देंगे, मुझे जरा मैं चाहूंगा, वैसे तो दर्शकों को याद होगा लेकिन जो ये लोग बैठ के झूठ बोल रहे हैं, मैं चाहूंगा जरा याद दिला दीजिए कि माननीय अदालत ने जब फैसला आना था क्या क्या कहा था, जरा वो दो लाइनें बता दीजिए, आप कैसे शब्द इस्तेमाल किया, आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया है, झूठ बोल रहे हैं, ये क्या झूठ बोल रहे हैं उन्होंने, ये कहा क्योंकि आप कह रहे हैं कि अदालत ने ये कहा ही नहीं कि पॉलिटिकल गेन के लिए सरेंडर कर दिया, नहीं गलत बात है ये, माननीय कोर्ट ने कहा था पॉलिटिकल गेन के लिए सरेंडर कर दिया, कुछ याद आया जवाहर साहब,
हाँ, और उत्तर दे रहा हूँ। और अभी नहीं, अभी तो एक आपको ऑर्डर की बात बताता हूँ, टिप्पणी छोड़िए, टिप्पणी छोड़ दीजिए, आप ऑर्डर की बताता हूँ मैं आपको। देखिए 29 अगस्त को क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुए थे, एक मिनट जवाहर जी, 29 अगस्त को क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुए थे, जब जब पंचकुला का माहौल खराब करना था तब तो ये वकील हो गए, बाद में ये कभी राजनीतिक, जो चीज सूट करती है वकील के रूप में सूट करता था वकील बन जाते हैं, हिसाब से तो पंचकुला का माहौल बिगड़ा ही नहीं, सूट करता राजनीतिक हिसाब से अदालत ने कोई सख्त टिप्पणी की, ये आप तय नहीं करेंगे जवाहर यादव जी, रविंद्र सिंह ढुल कैसे काम करेगा, अच्छा ये आप तय नहीं कर सकते। अरे मैं उत्तर आप अपने वकील को बोलिए कोर्ट में ये बात एक सेकंड के लिए बोल करके दिखा दे, आपको उसका उत्तर वहां मिलेगा, ये आप तय नहीं करेंगे कि मैं क्या करूंगा। अच्छा ये आप तय कर रहे हैं कि मैं कब जाकर के कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या वकील के रूप में मैं खड़ा हूँ, आप मेरी नागरिक के रूप में मेरी जिम्मेदारी को भी आप तय करेंगे, अपनी सरकार तय करेगी नहीं है, क्या कहे आपने बताइए आप मुझे, एक चीज अच्छा मैं आप मेरे ऊपर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, आपको किसने अधिकार दिया मेरे ऊपर टिप्पणी करने का, पहले इसका उत्तर दे, एक वकील एक पूछे, एक आपको अधिकार किसने दिया मेरे ऊपर टिप्पणी करने का, इसका उत्तर दे पहले आप। अरे मैंने आप पर टिप्पणी नहीं की, आपने सुना ही नहीं, फिर दोबारा सुन लीजिएगा, घर जाके इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मैंने क्या कहा, मैं अपने मित्र से वकील के रूप में आप फैक्ट की बात करें, अरे सुन लीजिए, अरे अरे सुनिए ना आपका प्रश्न मेरे से पूछ सकता हूँ, मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ, एक वकील यहाँ बैठे हैं जो कानून सम्मत चीजों का सम्मान करते हैं, क्या इसका मतलब आप ये कहेंगे कि ओम प्रकाश चौटाला भ्रष्ट व्यक्ति है, उसको माननीय न्यायालय ने 10 साल की सजा दी है, अब आप माननीय न्यायालय से सहमत है या नहीं है, वो भ्रष्टाचारी है या नहीं है, आप माननीय न्यायालय का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे पता है कि सजा दी है इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं उस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ना यहाँ पर बैठा हूँ, आप आशा करिए, आप जो बोलना बोलिए, आपने बोला मैंने नहीं रोका, वैसे देखिए मेरे पास बहुत कह रहा हूँ, आप बोलना बोलिए, लेकिन मुझे आज लगा कि डेरा के दो प्रवक्ता बैठे हैं और जवाब क्या राजनीतिक मजबूरी है कि आप एक ऐसे बचा रहे हैं जिसको लेकर 100 आरोप लग रहे हैं, मीडिया में हजारों रिपोर्ट है, हनीप्रीत को सुविधाएं मिल रही हैं, डेरा प्रमुख जेल में बैठकर डेरा चला रहा है, और सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब आगे अगर कुछ गड़बड़ होगी तो क्या उसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार लेगी, क्या जाट आंदोलन में जो हुआ, क्या जो रामपाल के वक्त हुआ, क्या जो सजा सुनाते वक्त राम रहीम के वक्त हुआ, क्या वो दोबारा होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी हरियाणा सरकार लेगी जो हो रहा है उसके बाद, ये सवाल जरूर खड़ा है। मेरे पास इतना ही वक्त था, महाबहस में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।